नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एमएस स्टेडियम से हम आपको लाइव दिखाने लगे हैं और लोगों का यहाँ पे एमएस स्टेडियम में आना शुरू हो गया। थोड़ा सा घुमाकर आपको तस्वीरें दिखा जाएं। नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर लोग जो हैं, लोगों का आना शुरू हो गया। ये आप बच्चे देख सकते हैं, युवा देख सकते हैं, यहाँ पर एकत्रित हैं और धीरे 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 लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएं। मैं कश्मीर से। कश्मीर से क्या नाम है आपका? शबीर। क्या नाम है? शबीर। अच्छा शबीर जी, मुझे बताएं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत। क्या क्या उम्मीद है आपको? बहुत सारे खुश हैं। हम कश्मीर से आए यहाँ। मैं हजरत अलकानशुमसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं कश्मीर से लेके यहाँ आया। इतना कठिन रास्ता था, वो रास्ता काट के फिर भी मैं कश्मीर से आया यहाँ पे जम्मू में। बारिश हो रही है अभी? बारिश बहुत सारी हो रही है, बर्फ हो रही है, फिर भी मैं कश्मीर से यहाँ पे पहुंचा हूँ मोदी साहब को देखने के लिए। मोदी साहब का अभिनंदन कर दी। तूफान हो चाहे कुछ बर्फबारी हो, हम अपने प्रिय नेता जी को सुनने के लिए आए हैं। उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किए हैं और सराहनीय है। हम उनका जम्मू कश्मीर में स्वागत करते हैं। क्या उम्मीदें हैं आज, क्या सोच रहे हैं आप? हम प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जम्मू कश्मीर का बड़ा किया है और आगे भी करेंगे। हमें उनसे उम्मीदें हैं कि वो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे जम्मू कश्मीर में। आप कश्मीर से आए? हम जम्मू रजौरी से आए हैं। आप कश्मीर? हम कश्मीर से। आप? मैं भी कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से सर। अच्छा, हम एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा का सर। क्या कुछ बदलाव हुआ है कश्मीर? जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है जब से हमारी मोदी सरकार आई। बदलाव हुआ है, हमने कुछ नहीं देखा है 75 साल में। कुछ भी नहीं हो गया कश्मीर के अंदर जब से मोदी आ गया तब से। आप देखिए, आप इसका पूरा काम देखिए, काम कैसा किया है। आपने ख्वाब में सोचा था ऐसा हो सकता है? ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब मोदी साहब ने देखो क्या किया है हमारे लिए। गोल्डन कार्ड हर घर घर में शौचालय, आप देखिए कितने इसने स्कीम निकाले हैं, क्या क्या किया है हमारे साथ। अब इसके पीछे पीछे हम नहीं चलेंगे तो किसके पीछे चलेंगे? मतलब अभी नया जनरेशन है, सारे मोदी साहब के साथ है। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो पहले वहां पे जो लीडरशिप थी वो गुमराह कर रही थी? सब बेकार थे, बेकार थे, सारे बेकार थे। चाहे एनसीओ पीडीपी हो, कोई भी हो, हम मुंह से जवाब देते हैं। ईंट के पत्थर वो लोग बोलते हैं। अमन और शांति है कश्मीर में, अमन और शांति है कश्मीर में, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। पहले जितनी भी सरकारें थी उन्होंने इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब कश्मीर फिर से जन्नत बन चुकी है। ये देखिए, कश्मीर में काफी बदलाव आया और लोग प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं। और ये कह रहे हैं कि पहले जो नेता थे, जो लीडरशिप वहां पर थी, जो पार्टियां थी, वो गुमराह कर रही थी लोगों को, लेकिन प्रधानमंत्री ने 370 तोड़कर विकास का जो मार्ग और द्वार खोले हैं उससे ये लोग खुश हैं। और इन्हें अब पता चला है कि दरअसल पहले जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप जो है वो दरअसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मुमताजगंज, मैं सुनकोट गुंसल से आया हूँ। सुनकोट से? हाँ, सुनकोट गुंसल से। मैं क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने 70 साल के पहाड़ी कबीला वालों के रोजे जो थे वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने ईद करवाई। हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और हम उनको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारी अक्सरियत देकर जिताएंगे। 35,000 करोड़ की आज परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? कितनी हमें खुशी है, 32,000 करोड़ की योजना जो है वो उन्होंने आज शुरुआत करनी है। हम उनको इंशाल्लाह मुबारकबाद देंगे। आज दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी हमारे शेर है और हमें सर रिक्वेस्ट है, कांग्रेस वाले नेशनल कांग्रेस वालों ने हमें 70 साल से कुसूर कर रखा था और नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो हमारी वो जो है खुशी पूरी की, हमारे रोजे जो थे वो पूरे के। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हम भारी एक्सपीरियंस से आने वाले समय में जिताएंगे। सारे सुरनकोट से हो? हम सब सुरनकोट, पौंच, रजौरी, मेदर, मंडी, कालाबान, ये सब है। क्या कह रहे हैं? द्रहाल से।
तरहान से। अच्छा, आप रात को ही यहाँ थे? रात को सुंदरबानी थे। सुबह 4 बजे वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं। भारी संख्या में लोग, पहाड़ी लोग आए हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिला है, आप सारे खुश हैं? बहुत बड़े खुश हैं। 70 साल से हमारी ईद हो गई है, ये तो अजूबा हुआ है। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हम सपने में देख रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, क्योंकि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी और जितनी भी सरकारें थी उन्होंने पहाड़ी लोगों के साथ नानसाफी की हुई थी। 70 साल से हमारा बैंक वोट लेकर उन्होंने अपने नशे अड़ाए और अपने परिवार को डेवलप किया, लेकिन पहाड़ी लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पहाड़ी कबीला के साथ अनसाफ किया। आज पहाड़ी कौम बहुत ज्यादा खुश है, उनका वेलकम करने के लिए यहाँ जम्मू में उनका इस्तकबाल करने के लिए आए। ये लोग जो है वो काफी खुश है, प्रसन्न है। और लोग यहाँ पर अभी क्योंकि सुबह सुबह का समय है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रात को जैसे बोल रहे हैं, रात को कहीं एक स्थान पर रुके थे, उसके बाद सुबह वहां से सुबह 4 बजे चले, 5 बजे चले, तो अब सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी तो काफी सीट्स खाली हैं। सुबह सुबह अभी टाइम देखें आप, 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे कुर्सियां भर रही हैं, लोग आ रहे हैं और तैयारी की जा रही है और लोग काफी प्रसन्न है और सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, ये सब लोग एक्साइटेड हैं, सुनना चाहते हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि पहले के जो लीडर थे वो इन्हें गुमराह कर रहे थे, लूट रहे थे, अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे थे और इन्हें मूर्ख बना रहे थे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को देंसा, नमस्कार।